हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कौशल विकास रोजगार निगम के विरोध में नगर निगम के कई वर्षों से कच्चे पड़े सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के विरोध में नगर निगम के सफाई कर्मचारी तिगांव के विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर पहुंचे। विधायक राजेश नागर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों के लिए ज्ञापन भी सौंपा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हाल ही में फरीदाबाद निगम ने 24 गांवों को अपने अधीन किया है, वहां पर सफाई कर्मचारी की ड्यूटी तो लगा दी गई, लेकिन निगम की तरफ से अभी तक उन्हें कोई औजार नहीं मिला है। इस कारण उन्हें काम करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कौशल विकास रोजगार निगम के द्वारा सरकार ठेकेदारी प्रथा लागू करने जा रही है, इसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, नहीं तो 20 अगस्त को रोहतक में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम गुरचरण सिंह खांडिया, सफाई कर्मचारी यूनियन फरीदाबाद। अच्छा, यहाँ विधायक के कार्यालय पर क्या कुछ कहना है? हम यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। हरियाणा सरकार ने हमारे कर्मचारियों पर जबरदस्ती इसको थोपा जा रहा है ठेकेदारी के तौर पर। हम ये कहना चाहते हैं जो निगम में और विभागों में लगे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, और हमारे जो सफाई के औजार हैं वो हम पे बिल्कुल नहीं है, उनके हमने सफाई करने में दिक्कत आ रही है। दूसरा, कोरोना टाइम में हमारे मंत्री ने अनिल विज मंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि भी जोखिम भत्ता के तौर पर आपको 4000 रुपये आपकी तनख्वाह में लगाए जाएंगे, 50 लाख का बीमा आपका किया जाएगा, लेकिन झूठे वादे कर गए। आज तक कोई भी हमारी मांग मंजूर नहीं करी और बार बार मतलब हमें झूठा आश्वासन सरकार देती है। हम सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन देने के बाद हम 20 अगस्त को रोहतक में रैली करने के बाद ऐलान करेंगे आर पार की लड़ाई का। या तो हमारे सरकार हमारे कर्मचारियों के सुन ले, नहीं तो फिर बातचीत के माध्यम से सुन ले, नहीं तो फिर हम हड़ताल पर उतारू हो जाएंगे, फिर प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी होगी। मेरा नाम राम रत्नम है, जिले का वरिष्ठ प्रधान भी हूँ और वार्ड सप्लाई यूनियन का सचिव भी हूँ। आज हमें तकरीबन 1992 के लगे हुए कर्मचारी हैं, हमें वार्ड सप्लाई में माली भी बेलदार भी हैं, सभी कैडर के आदमी हैं, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, और आज तक हमको सरकार ने रेगुलर नहीं किया, सिर्फ किस वजह से पढ़ाई लिखाई और उम्र की छूट के लिए। वर्ष 2003 में कर्मचारी पक्के हुए, 2017 में कच्चे कर्मचारी पक्के करे थे उन्होंने, क्योंकि एक दिन काम नहीं करा सरकार ने, फर्जी आदमी पक्के कर दिए, नंबर हमारा था और हम पक्के नहीं करे सरकार ने, 155 आदमी। और अब सरकार ने 2014 में भी छोड़ दिए, 2017 में भी कच्चे कर्मचारी करे तो वो हम जब भी नहीं करे। हम सरकार से हमें 30 साल काम करते करते हो गए, लेकिन 30 साल में तक हमारी तनख्वाह 12,900 मिल रही है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ी 2-3 साल से, और सरकार चाहती तो हमको पक्का भी कर सकती है, और पक्का होने से हमारा फायदा होगा। कौशल रोजगार निगम में की देने के बजाय सरकार हमको पक्का किया जाए और कौशल रोजगार निगम भंग किया जाए और प्राण की जाए, ये हमारी मांग डिमांड है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मनोज पाल गुहेर है और मैं सफाई कर्मचारी का सह सचिव हूँ। अच्छा, और अभी जैसे कि हमने विधायक जी से बात की है कि जो 24 गांव नगर निगम ने में लिए हैं सरकार ने, उन 24 गांवों को लिए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन हमारी जो 1 वर्ष जो पुरानी सैलरी है वो आज तक नहीं सरकार ने। अच्छा, सरकार ने 1 जनवरी 2021 से 24 गांव को लेने का ऑर्डर कर दिया, लेकिन प्रशासन ने यहाँ के फरीदाबाद के प्रशासन ने कागजी कार्रवाई करने में 1 वर्ष लगा दिया। अच्छा, जिसके कारण हमारी 1 वर्ष की सैलरी आज मरने की कगार पर है। हालांकि विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि वो सैलरी पास होकर आ गई है, जल्द हमें मिल जाएगी, लेकिन 1 वर्ष का जो कर्जा है हमारे ऊपर उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब जिनसे हमने कर्जा ले रखा था वो तो ये कहते हैं कि भाई आपको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई है, आप पैसे नहीं दे रहे हमारे, जब इसे सच्चाई ये है कि 1 वर्ष की तनख्वाह हमारी रुकी हुई है, सरकार ने रोक रखी है। अच्छा, आप 24 गांव में काम कर रहे हैं? जी, 24 गांव में जो हम आए हैं, जो नगर निगम में लिए हैं उनके कर्मचारी हैं। अच्छा, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? 1 वर्ष की जो हमारी पिछले वर्ष की है 2021 की, वो तनख्वाह नहीं मिली है। औजार वगैरह सब कुछ, औजार की भी बड़ी दिक्कत है, कोई सामान नहीं है सफाई करने के लिए, और सफाई के आदेश आते हैं बार बार, कभी यहाँ से सफाई करो, ऐसे करो, वैसे करो, जब कर्मचारी के पास सामान नहीं होगा तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण छिंडालिया, ज्ञापन सौंपा विधायक नगर निगम सचिव। हाँ, ज्ञापन देने आए राजेश नागर जी को, और इसमें हमारा ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार आज दावे के साथ ये कहती है कि भाई हम देश में से यानी कि पूरे देश से ठेकेदारी को मुक्त कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जो कौशल रोजगार निगम है
ये ठेकेदारी नहीं है तो क्या है। सरकार दावे के साथ ये कहती है पूरे यकीन से कि भी ये ठेकेदारी नहीं है, ठेकेदारी को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जिसमें हमारे कर्मचारी का भविष्य नहीं, जिसमें हम पक्के नहीं हो सकते, तनख्वाह बढ़ाने के नहीं कह सकते, तो हम ये पूछना चाहते हैं ये ठेकेदारी नहीं है तो क्या है। हम ये चाहते हैं कि कौशल रोजगार को तुरंत प्रभाव से ये भंग किया जाए। जो कच्चे कर्मचारी आज 25 और 30 साल से शहर में काम कर रहे हैं, शहर को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, अपने आप को बीमारी लगाकर देश को बीमारी से मुक्त कर रहे हैं, उन सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। नहीं तो ये सफाई कर्मचारी मजबूर होकर एक दिन हड़ताल पर जाएगा और फिर इसका अंजाम फिर शासन या सरकार भुगतेगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हम ये कहना चाहते हैं हमारा जो पक्का कर्मचारी है, आज सरकार ने जो एक्सग्रेसिया की पॉलिसी जो लागू करी कर्मचारी के लिए, आज डेथ होने के बाद कर्मचारी को उसके जो पेरेंट्स हैं उसको नौकरी, बेटे को या घरवाली को नौकरी दी जाए, उस पर भी बहुत सारी शर्तें सरकार ने लगा रखी हैं। हम चाहते हैं कि ये शर्तें भी हटनी चाहिए।